ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है व दशमी तिथि भी रहेगी। 2 नवंबर 2018 शुक्रवार का दिन रहेगा। मघा नामक नक्षत्र रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे। इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही खा करके यात्रा कर सकते हैं, या फिर जौ खा करके या जौ से बनी चीजों को खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक और नया कार्यक्रम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इन 6 राशियों की बढ़ेगी आमदनी, इनके बढ़ेंगे आय के स्रोत, इनको मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ। कई प्रकार से ये धन लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। इनको आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही यदि बेरोजगार है तो रोजगार इनको प्राप्त हो सकता है। यदि ये लोग व्यापार में है तो वहां पर इनको अच्छा लाभ दिखाई दे सकता है। यदि ये विद्यार्थी है तो वहां पर इनको प्रगति देखने को मिलेगी। जो भी कार्य ये करते हैं उसमें अच्छा लाभ इनको प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।